रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट की भी, स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट सामने आई है और जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर निजाम को और बेहतर बनाने के लिए माजी में जितने फंड्स दिए जाते रहे और मौजूदा वक्त में उसका कितना इस्तेमाल हुआ है, इस पर कुछ ब्रीफिंग्स भी सामने आई है। मुतद्दिद पुलिस थाने जम्मू कश्मीर के अंदर हसास तो हैं, लेकिन यूटी के 79 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर फोन की खिदमात आज के वक्त में दस्तयाब नहीं है। 17 ऐसे पुलिस थाने हैं जहां पर बगैर वायरलेस की जो खिदमात हैं वो भी इसी तरीके से चल रही हैं, और जायजा कमेटी ने कई मरतबा इस पर सिफारिशात भी की हैं, यानी मॉडर्नाइजेशन कैसे पुलिस थानों की जाए, यहां पर नए कवायद के मुताबिक भी काम हो और मवासलाती निजाम को बेहतर बनाते हुए कामकाज को और बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए कमेटी जो बनाई गई थी उसने भी कई मरतबा अगरचे मीटिंग के दौरान जायजा लिया और उसके बाद सिफारिशात भी अपनी पेश कर दी, लेकिन कोई अहम पेशरफ अभी तक नहीं हो सकी है, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है शायद यूटी के अंदर। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की इस रिपोर्ट में भी खुलासा यह हुआ है कि 80 के करीब पुलिस थाने, जिनमें बहुत सारे थाने हसास हैं, कार्रवाइयां भी मुसलसल चलती रही हैं, लेकिन आज के वक्त में 80 के करीब पुलिस थाने बगैर टेलीफोनिक फैसिलिटीज काम कर रही हैं। अच्छा, और इसमें एक तो 80 के आसपास, एक है 17 के पास वायरलेस फैसिलिटियां नहीं है, ये भी एक बड़ी बात आई है। और सबसे अहम तरीन मामला ये है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल, जो हमने गालिबन एक दो दिन पहले भी बात की थी कि हमारे पास जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के बाद जब डाटा सामने आया उसमें कहा गया था कि जनाब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मिसयूज सोशल मीडिया का हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए जिस तरीके का मैकेनिज़म जिला सतह पर होना चाहिए था वो अभी है नहीं, सिर्फ सूबाई सतह पर है। तो इस पर भी जो है वो उस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की नज़र गई है और उन्होंने भी इस बात का खुलासा जो है वो पेश किया है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की सरबराही आनंद शर्मा साहब कर रहे थे। गुज़श्ता साल उनका, आपको याद होगा कि आनंद शर्मा ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, लद्दाख का भी दौरा किया था, दाखला पार्लियामेंट की कमेटी बराए दाखला किए, इंट्रीम रिपोर्ट जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर लोकसभा के अंदर सौंप दी है। और ज़राए के मुताबिक इस रिपोर्ट के अंदर जो कुछ तहरीर किया गया उसमें दो तीन बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 80 के करीब पुलिस थानों के अंदर टेलीफोन फैसिलिटियां नहीं है, 17 हमारे पास वायरलेस के बिना है, और ये तारीख बताई गई कि 1 जनवरी 2020 हो सकता है। अब थोड़ी सी बेहतरी भी हो क्योंकि 1 जनवरी 2020 तक का रिपोर्ट जो है वो सामने रखा है इस पार्लियामेंट की कमेटी ने। इस पार्लियामेंट्री कमेटी का यह भी मानना है कि जनाब जिस तरीके का हसास मामला है, जितनी रियासत हसास है, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से काम किया है वो भी काबिल तारीफ है, और कई मरहलों में महदूद वसाइल के अंदर भी उन्होंने कई कार्रवाई नुमा किए हैं जिसका जिक्र जो है उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के अंदर भी है। ताहम जो अफरादी कुव्वत है उसकी कमी आज भी दाने, जब ये रिपोर्ट टेबल की गई है उस वक्त उसमें कहा गया कि अफरादी कुव्वत की काफ़ी कमी जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर है, और उस अफरादी कुव्वत को पूरा करने के लिए हम जहद कोशिशों में तेज़ी लानी चाहिए। अगरचि चंद मराहिल पर हमने देखा कि भर्ती का अमल तेज शुरू किया गया है, ताहम अभी भी ज़रूरत यह है कि भर्ती के अमल को स्ट्रीमलाइन करके तेज़ किया जाए ताकि जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जम्मू कश्मीर पुलिस को उसको वो मिल सके। पार्लियामेंट्री कमेटी बराए दाखला के मुताबिक जो एज पर रिक्वायरमेंट्स मैन पावर होना चाहिए था उसमें काफ़ी कमी है, ताहम ज़रूरत यह है कि उस मैन पावर को जल्दी से पूरा किया जाए। यानी पुलिस जो फोरफ्रंट पर लड़ रही है इसमें कोई शक नहीं, और 1990 के बाद जिस तरीके से उन्होंने फोरफ्रंट पर हिस्सा लिया है, और 96 के बाद जिस तरीके से बिल्कुल एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और दीगर चीज़ों पर वो काम कर रही है, काबिल तारीफ ज़रूर है। ताहम इंट्रीम मामला जो उनके हैं वो ये बता रहे हैं कि इंतहाई मुश्किल तरीन हालात के अंदर पुलिस काम कर रही है, उसका जिक्र पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला जिसकी सरबराही आनंद शर्मा कर रहे थे उस रिपोर्ट के अंदर कर दी गई है जो टेबल की गई है लोकसभा की।